दोस्तों साइबर सिक्योरिटी के और एक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीबी व्हाट्सएप के थ्रू अगर कोई वीडियो कॉल होता है, क्या उनके सर्वर में स्टोर होकर रहता है, यानी कि रिकॉर्ड होकर रहता है। अगर वो वीडियो उनके सर्वर में रहता है तो वो क्या करते हैं, सिर्फ एनालाइज करके छोड़ते हैं या फिर एनालाइज करने के बाद डिलीट कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में ही बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार, मिस्टर डेटा टेक में सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जीबी व्हाट्सएप के थ्रू अगर कोई वीडियो कॉल यहाँ पे होता है तो उनके सर्वर में स्टोर होकर रहता है। स्टोर होने के बाद एनालाइज करते हैं, लेकिन एनालाइज कोई इंसान बैठकर नहीं करता है, उनका एक मशीन लर्निंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो सारा का सारा वीडियो एनालाइज करता है। लेकिन अगर कोई इंसान करे तो क्या होगा, अगर कोई इंसान करे तो वो वीडियो वायरल भी हो सकता है अगर कोई इंसान उसे बैठकर एनालाइज करेगा तो। क्योंकि यार आप समझते नहीं हो, व्हाट्सएप पर अगर कोई वीडियो कॉल करता है तो बहुत सारा वीडियो कॉल तो नॉर्मल होता ही है, लेकिन यहाँ पर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड अगर वीडियो कॉल करते तो वो किस तरह से नॉर्मल होगा, आप ही खुद सोच सकते हो। वो नॉर्मल नहीं बल्कि वो वाली वीडियो हो सकता है। तो मैंने आपको ये क्लियरली बता दिया कि उस वीडियो को क्या होता होगा, लेकिन वीडियो कॉल तो कर लिए है आपने, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, आपको जीबी व्हाट्सएप यूज ही नहीं करना चाहिए। पता है आप जीबी व्हाट्सएप जो लोग यूज कर रहे हैं उन लोगों का व्हाट्सएप ही बैन हो रहा है। नहीं पता आपको, ये बैन वाला सिचुएशन मैंने खुद झेला है यहाँ पे, यही कोई 2-3 दिन पहले। प्रूफ भी मैंने रखा हूँ, पहले ये देख लो। इसके बारे में 2 दिन के बाद ही वीडियो बनाऊंगा अच्छे तरीके से एनालाइज करने के बाद। सोचो कि वो वीडियो वायरल हो गया तो इस सिचुएशन में आप करोगे क्या? कुछ नहीं करना है आपको, घबराना नहीं है आपको, यहाँ पर कोई टेंशन भी नहीं लेना है। आपके द्वारा तो गलती हो चुकी है, अब उसके बाद साइबर पुलिस में यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कर दो, वो लोग ही संभाल लेंगे। अगर वो लोग भी संभाल नहीं रहे हैं तो आपको एक काम करना होगा, यहाँ पर आपको जिस भी वेबसाइट पर वो वीडियो डाला गया है, जो भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जिस वेबसाइट पर आपका वीडियो सबसे पहले डाला गया हो, उस वेबसाइट पे जाकर रिपोर्ट कर दो कि ये मेरा वीडियो है, प्लीज हटा दो, वो आपका वीडियो हटा देंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट्सएप पर जो भी वीडियो कॉल यहाँ पर होता है उस वीडियो कॉल के साथ क्या क्या होता है, आपको ये सारा का सारा आइडिया लग चुका है। तो मेरे ख्याल से आपको जीबी व्हाट्सएप यूज ही नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना, वो भी ऑल वाला। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।